हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाथ से लिखने वाली वीडियो कैसे बनाते हैं, वो भी काइन मास्टर में। किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एंड्रॉइड मोबाइल में आप जैसी भी वीडियो बनाते हैं काइन मास्टर में, उसी तरह से आप ये वाला एनिमेशन बना सकते हैं कि हाथ से लिखने वाली एनिमेशन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आगे आप लोगों को और भी बताऊंगा कि कैसे और सब एनिमेशन बनाते हैं आप काइन मास्टर में। फिलहाल तो मैं आज बताऊंगा आप लोगों को कि हाथ से लिखने वाली वीडियो कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, तो मेरा नाम अरविंद यादव है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, न्यू ज्ञान सम्राट। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम एमपीटी प्रोजेक्ट में जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मीडिया पे क्लिक करके इसका बैकग्राउंड जो है वाइट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए हम वाइट लेके इसको कुछ हम इस तरह से बड़े भी कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया, उसके बाद लिखें टेक्स्ट हाउ टू मेक हैंड राइटिंग है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको जहाँ पर चाहिए वहाँ पर आप सेट कर लीजिए। ठीक है, इतना बड़ा छोटा जो भी करना चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन आप इसको थोड़ा नॉर्मली भी छोटा ही रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम एक और लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये भी, उसके बाद हम यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद एक हम कुछ और पॉइंट पर लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं इन काइन मास्टर बेस्ट। ठीक है, ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद इसको भी उसके नीचे आप सेट कर सकते हो। दो लाइन में इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम हाथ को नीचे भी लेते हैं ना इसके लिए। ठीक है, उसके बाद हम चलिए इसको पहले को यहाँ से कलर कर देते हैं। जो भी आपको कलर चाहिए आप कर सकते हो, ग्रीन, ब्लैक, कुछ भी। तो चलिए मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ क्योंकि व्हाइट पर ब्लैक अच्छा लगेगा, तो यहाँ से हमने ब्लैक कलर को चॉइस कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आउटलाइन है तो हम इसको हटा लेंगे। यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर शेडो है, इसको आप ऑफ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए डबल ए जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए दिया हो एंड्रॉयड, यहाँ पर लेटिन, तो जो भी आपको जैसा अच्छा लगे मेरे हिसाब से ये ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले को भी सेम हम वही करेंगे, कलर लेंगे ब्लैक, फॉन्ट ले लेंगे हम सेम वही, और यहाँ से स्क्रॉल करके इसकी जो हम शेडो है उसको हटा देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको भी आपको जहाँ चाहिए उतना नीचे ले सकते हैं आप। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो चलिए अब इसके आगे का हम बताते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम इसको यहाँ से बड़ा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ, और फिर रहते हैं पहला को क्या करेंगे हम, जो यहाँ पर इसको इसको एनिमेशन दे देंगे। एनिमेशन कौन सा देंगे, यहाँ पर देखिए नीचे आइए आप स्क्रॉल करके, और यहाँ पर देखिए दिया है व्हिप राइट, इसको क्लिक कर दीजिए आप। तो जहाँ पर ये ख़त्म होता, पहले तो हम इसकी स्पीड को है बहुत फास्ट चल रहा था, इसकी स्पीड को हम कम कर देते हैं। कम से कम हम आप इसकी स्पीड जो है 70 लीजिए। ठीक है, 70 लेने के बाद यहाँ पर आइए आप, जैसे कि यहाँ पर जब ये फिनिश होता है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, उसके बाद अभी जो ये हमारा दूसरा है इसके ऊपर आप प्रेस करके, जहाँ पर मैंने लिखा है इन काइन मास्टर बेस्ट, इसके ऊपर सिर्फ ऐसा प्रेस करके रखिए और यहाँ से आप पीछे खींच लीजिए। ठीक है, अगर आप पीछे से नहीं खींच पाते तो यहीं से लिख के स्टार्ट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, और इसके ऊपर क्लिक करके सेम इसको भी हम वही एनिमेशन दे देते हैं। हाँ ठीक है, अब ये इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से एक हैंड का लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर आप इसको अच्छे से सेट कर लीजिए, जैसे कि ये देखिए पहला अक्षर जो आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर इतना सेट कीजिए, उसके बाद लेयर पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप एक हैंड का आइकॉन, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि हैंड विथ पेन आइकॉन PNG। ठीक है, तो आपको ये PNG इस तरह से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, फिर इसकी भी जो छोटा बड़ा आप इसको किस तरह से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको भी हम बड़ा कर लेंगे इस तरह से, ठीक यहाँ तक ला देंगे, और ये भी जो हमारा है इसको भी हम यहाँ तक बड़ा करके यहाँ तक ला देते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से अच्छे से सेट कर लीजिएगा जो भी है, और इतना जो है हम ये कुछ ज़्यादा हो रहा था इसको यहाँ से कट कर लेंगे सेम। ठीक है, ये इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी कुछ इस तरह से चल रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, एक बार मैं इस तरह से बार बार रिपीट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और मेरे से भी अच्छा आप एडिटिंग करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो नीचे वाला था इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको भी थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। फिर से एनिमेशन पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए 10 था, तो हम इसको भी 70 ले लेते हैं क्योंकि पहला हमने 70 लिया था। ओके ठीक है,
अभी क्या करेंगे, अब हम हैंड को सेट करेंगे। और हैंड को आप थोड़ा सा ऐसे ला कर हैंड को अच्छे से सेट कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हैंड पे जो लेयर है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर देखिए एक चाबी का आइकॉन बना हुआ की का, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप हो गया, फिर यहाँ पर टच करके आप कुछ इस तरह से आगे लीजिए, ठीक है, इस तरह से। और बराबर आप सेट कर लीजिए, जहाँ पे इफ़ेक्ट आता है टी वहीं तक आपका जाए, ठीक है, ये यहाँ तक देखिए टी। उसके बाद क्या कीजिए, हैंड पे प्रेस करके आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक, ये हो गया यहाँ पर। अभी एक बार हम देखते हैं, ये देखिए कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमने यहाँ पे राइट कर रहे हैं वो हमारा हाथ थोड़ा सा स्लो जा रहा है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो पहले चला जा रहा था। हम क्या करेंगे, जो हमारा हैंड राइटिंग है वो हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और फास्ट कर लेंगे, उसके ऊपर क्लिक करके एनिमेशन पे जाएंगे और इसको 75 ले लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह 75 ले लेते हैं। और अब देखते हैं इफेक्ट हमारा कैसा चल रहा है। हाँ, अब देखिए बरोबर सही चल रहा है, ठीक है। उसी तरह से आप दूसरा जो लिखा हुआ है उसको भी आप एनिमेशन पर क्लिक करके उसको भी 75 कर दीजिए, ताकि बराबर समय पे काम करे, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, अब एक बार देखिए आप, बस अब यहीं पे रुकिए। अभी देखिए यहाँ पर जो नीचे पहला अक्षर आ चुका है तो इस पर हम सेट करेंगे, ठीक है। हैंड पे प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए हैंड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए चाबी के आइकॉन को फिर से हम क्लिक करेंगे और हैंड को यहाँ से लेके आकर हम यहाँ पर टच कर देंगे इस तरह से, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब फिर यहाँ से इस तरह से घुमाएंगे इसको, ठीक है, आगे लेंगे और जहाँ तक भी ये देखिए लिखा हुआ जा रहा है हमारा बेस्ट लास्ट टी तक, ठीक है, यहाँ तक टी तक गया, यहाँ तक फिर हम हाथ को अपने यहाँ पर ले लेंगे और ओके कर देंगे। अब देखते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से आपको चल रहा है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, लेकिन इस तरह से तो हम एक इसको फ्लोटिंग जो है इफेक्ट दे देंगे, तो इस पर फिर से हैंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ और इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, फिर ओके कर दे और फिर एक बार हम आपको दिखाते हैं इस तरह से। ये देखिए हाथ भी कुछ ऊपर नीचे सेकंड ऑप्शन लग रहा है कि क्लिक करेंगे, लिख रहे जो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है हमने लिखने वाला इफेक्ट उसमें डाल दिया है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप कितने अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ही आप बना सकते हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन अपने हाथों से, ठीक है। अब जब हम पूरा लिख लेते हैं, ठीक, समझ लीजिए कि यहाँ पर वेस्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ठीक। उसके बाद हम हाथ को नीचे की तरफ करेंगे, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हैंड पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद ये देखिए चाबी का आइकॉन आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए आप और सिंपल हाथ को धीरे धीरे इस तरह नीचे लेके चले जाइए, ठीक है, बस। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये देखिए एक बार आप फिर से अच्छी तरह से देख लीजिए इसे, जब आपकी वीडियो पूरी तरह से बन जाए तो उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वापस इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए शेयर का आइकॉन बना हुआ था, आप शेयर के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दे रहा है सेव वीडियो टू गैलरी पे क्लिक कीजिए, वहाँ के बाद देखिए यहाँ पर दे रहा है कैटेगरीज की किस कैटेगरी में आप डाउनलोड करना चाहते हैं, HD में या HD में या फुल HD में, जिस तरह से भी आप डाउनलोड करना चाहते हो वहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और वो डाउनलोड होने लगेगा। इस तरह से आप जो है वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको रहने देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। हैंड राइटिंग का जो इफेक्ट एनिमेशन है व्हाइट बोर्ड का कितने आसानी से बन गया और कितना अच्छा लग भी रहा है, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स आप भी बना सकते हो अपने काइन मास्टर में, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो इस तरह से भी अपना हैंड राइटिंग का जो है इफेक्ट है डाल सकते हैं। फ्रेंड्स तो मेरी छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स आगे वाली वीडियो को आप देख सकें।